और एक नया गैजेट हमारे पैंथर फैमिली में एंट्री किया है। आप लोगों को मैं वही चीज़ दिखाऊंगा कि मेरा बाइक में मैंने क्या क्या इंस्टॉल किया है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है संडे और अभी हम निकले संडे राइड पे। तो आज एक्चुअली सीन कुछ ऐसा है कि आज सुबह का प्लान था विशाल दा के साथ। विशाल दा मुझे बोला था कि 7 बजे आ जाएगा, तो अभी मैं निकला हूँ उज्ज्वल दा को लेके टुवर्ड्स आजाद हिंद। तो अभी बच चुका है लगभग 7 और विशाल दा को मैंने कॉल किया था तो विशाल दा बोल रहे हैं कि अभी तो नहीं आ पाएंगे, तो विशाल दा से मिल लेंगे टुवर्ड्स थ्रॉटल शॉटल। और एक नया गैजेट हमारे पैंथर फैमिली में एंट्री किया है, तो कौन सा गैजेट है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलो बेरी जाओ, सेकेंड के लिए लगा कि भाई अभी बारिश शुरू हो जाएगा, पर भाई दुख की बात यह है कि भाई बस आसमान में भाई बादल है। एक्चुअली मेरा जो ग्लास है ना हेलमेट का, तो उसको पहन के लगा कि भाई बारिश होने वाला है, पर भाई ऐसा नहीं है। अंकल पूछ रहे हैं कि कौन सा बाइक है, तो फिलहाल भाई प्लान यही है कि अभी मैं यहाँ से अभी 1-1.5 घंटे बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा टुवर्ड्स शॉटल शॉटल, फिर वहाँ पे विशाल दा आएंगे। आप लोगों को सरप्राइज तो मैं दिखाऊंगा कि वो कौन सा चीज़ है भाई। एकदम भाई ये बहुत दिन से मन था कि उसको मैं परचेस करूँ। और भी कुछ चीज़ें हैं जो विशाल दा के साथ डिस्कस करना है जो हमारे ट्रिप के बारे में है। अभी भाई बहुत कम दिन हाथ में बचा है, तो उसके लिए भाई एक्चुअली मैं हम लोग सोच रहे थे कि सुबह यहाँ से निकले, पर भाई वही एक चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई इतना सुबह मैं भी घर से आके तो पॉसिबल मैं भी नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि उसके एक दिन पहले मतलब कि उसके अगले दिन निकल जाए या कुछ और करे। तो इन सब कुछ चीज़ें हैं। और भाई जो रूम है, मैं तो पहले एक रूम तो हमने बुक कर दिया था, पर अभी हमारा जो डेट पोस्टपोन हुआ है तो मैं अभी उन लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो बस वही कुछ है काम, उसको डेट फाइनल बोलना पड़ेगा आज नहीं तो कल सुबह। आज बहुत सारे नॉर्मल बाइक्स हैं, सुपर बाइक्स तो नहीं है ना। तो गाइस चलते हैं, फिलहाल तो भाई आज कोई नहीं है सिवाय हम 2-3 लोग के। 2 ट्रेनर आया हुआ है और इधर भाई 2 बस है और मेरा 900। चलो भाई लेट्स गो। 2000 years later। तो गाइस एक्चुअली हम लोग उज्ज्वल दा के साथ में आया था, उज्ज्वल दा बोला कि थोड़ा अंदर से चलते हैं, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं दिल्ली रोड से। अरे भाई साहब, तो भाई इतना जल्दी काय को है भाई, इतना जल्दी क्यों? तो अभी इलेक्शन का टाइम, अरे भाई हर जगह चेकिंग वेकिंग पुलिस हर तरफ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ अभी जाके दिखाऊंगा टीएस कि वो कौन सा चीज़ मैंने बाइक पे नया लगवाया है। बाइक काफ़ी कूल लग रहा है, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा आई गेस, पर भाई एक बार सामने से दिखाएंगे बाइक का लुक। वाह भाई इधर तो बिरयानी का क्या खुशबू आ रहा है भाई। इन लोगों को रास्ता नहीं पता क्यों आते हैं कोलकाता।
रास्ता का हालत भाई काफी खराब हो गया है। खतरनाक गाना चलाया भाई। चलो भाई अंदर बैठते हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं टूवर्ड्स होम, और भाई बाइक में जो जो चीज़ें मैंने लगाया है, और विशाल्दा का बाइक भाई कल विशाल्दा ने पूरा एकदम फुल सर्विस किया है, बाइक एकदम खतरनाक हो गया है। और मैंने जो चीज़ मैंने परचेस किया है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। टाटा टाटा। अभी कुछ काम है, मुझे शॉप पे जाना है, जो मैंने गैजेट परचेस किया है। तो उसको उसके ऊपर जो लेंस है, तो उसको ऊपर एक लेंस कवर इंस्टॉल करना है, तो उसके बाद ही मैं उसको यूज़ कर तो उसके बाद ही मैं उसको यूज़ कर पाऊँगा। क्या रिएक्शंस मिल रहा है भाई। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि भाई रहा पैंथर, और अभी मैं हूँ एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे। इधर है भाई गंगा, जैसा कि आप देख सकते हो भाई, और मुझे इधर थोड़ा छाँव मिला। एक्चुअली मुझे पता है कि इस साइड में थोड़ा बहुत खुला एकदम शांति मिलता है, तो मैं इस साइड में आया। आप लोगों को मैं वही चीज़ दिखाऊँगा कि मेरा बाइक में मैंने क्या क्या इंस्टॉल किया है। सबसे पहला तो है भाई ये चीज़, ये दो लीवर गार्ड जैसा कि आप देख सकते हो, एक इस साइड पे एक इस साइड पे भाई। और भाई इसको मैंने इंस्टॉल किया है क्योंकि जो हमारा ट्रिप है, अगर मेरा बाइक नीचे गिर जाए तो ताकि मेरे हैंडल बार पे कोई इफेक्ट ना आए, तो बेसिकली इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल किया है। सेकेंड चीज़ भाई ये रहा भाई जो ऊपर का फ्रंट का ब्रेक का जो मास्टर सिलेंडर है भाई, उसका कवर Z900 लिखा हुआ है। और थर्ड चीज़ है भाई जो भाई पीछे का ब्रेक का मास्टर सिलेंडर, उसका कवर, ये देखो भाई ये रहा। तो बस यही है, बस तीन चीज़ मैंने इस पर इंस्टॉल किया है। बाकी आप लोग बताओ मुझे कि भाभी बाइक का लुक कैसा लग रहा है, एकदम खतरनाक वाला। तो आप देख सकते हो भाई कैसा लुक लग रहा है। तो भाई देखो और बताओ कि बाइक का लुक अभी कैसा है। फिलहाल तो भाई अभी जो नया चीज़ है वो भाई इंस्टॉल होने वाला है इस जगह पे। आप लोग बताओ कि भाई कौन सा चीज़ है। कोलकाता से हूँ। तो भाई को फोटो खींचना है। टाटा अच्छी आवाज दिखाओ मैं। तो भाई मैंने गाड़ी को बंद कर दिया क्योंकि भाई वो जो काऊ है ना बाइक का जो एग्जॉस्ट है, तो उसके साउंड से भाई काफी परेशान होता है, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। जिस चीज का बात हो रहा था वो भाई है ए रहा, ये है पैनोक्स का G60 कैमरा। और गाइस तो एक बार मैं आपको एक कैमरा दिखा देता हूँ। तो भाई ये है कैमरा का कवर, तो इसको ही मैं लेके गया था। इसका जो लेंस गार्ड है इसको भाई इंस्टॉल करने, जैसा कि आप देख सकते हो भाई इसको मैंने ए रहा भाई, इसका जो लेंस है उसके ऊपर एक गार्ड है, तो इसलिए मैंने भाई इसको अभी तक यूज़ नहीं किया था। तो फिलहाल तो भाई इसमें लेंस गार्ड लग गया, अभी भाई इसको करेंगे फुल यूज़। और भाई इसका जो वीडियो क्वालिटी है या फिर जो भी मैं व्लॉग करूँगा तो उसके साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो मेरा इंस्टाग्राम को thepanther.900। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड थैंक यू पैनोक्स।